more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. स्टार प्लस के पॉपुलर फैमिली ड्रामा शो ये है मोहब्बत से जुड़े एक और खास खबर लेकर आए हैं आप सभी के लिए। जहाँ जैसे जैसे सीरियल के एपिसोड बीत रहे हैं वैसे वैसे इस शो में मणि की मर्डर मिस्ट्री और भी ज्यादा ट्विस्टेड होती जा रही है। वैसे आपने सीरियल के पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे शगुन को सब कुछ याद आने वाला होता है, लेकिन इस सीरियल के आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे शगुन को होश आते ही वो सब कुछ भूल जाएगी, जिसके बाद इश्ता रमन के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मणि के कातिल को ढूंढना। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या शगुन का ये नकली अदाश जाने का नाटक, तो वही दूसरी तरफ आदि मणि के कातिल से जुड़ा एक बहुत ही बड़ी सच्चाई छुपाता है, क्योंकि आदि जानता है कि जैसे शगुन की अदाश वापस आएगी वैसे ही शगुन इसकी सच्चाई सबके सामने ला देगी, जिसके बाद से आदि भी हो सकता है मणि का कातिल। और बात करें सबसे आखिरी कातिल की तो वो हो सकती है रूही। जी हाँ, जहाँ आपने देखा कि कैसे रूही भी आदि के साथ साथ एक बहुत ही बड़ी सच्चाई छुपा रही है और रूही भी मणि की मौत से जुड़ा एक बहुत ही बड़ा सुराग छुपाती हुई नजर आती है, जिसके बाद शक की सुई इन तीनों पर है। जी हाँ, मणि की मौत और तीन कातिल, और इन तीनों में से कोई एक हो सकता है मणि का कातिल। वेल, कौन है मणि का कातिल और क्यों किया है उसने मणि का कत्ल, ये सब कुछ हम आपको बहुत जल्दी बताएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से अमित की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।